अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे लैंग्वेज, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग, वर्ड्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? करेक्टर सिंबल आउट ऑफ विच वी बिल्ड लैंग्वेज फॉर्मेशन। लेटर, सिंबल, करेक्टर, इंटीजर्स वैल्यूज जो होते हैं वो लेटर होते हैं। हम लोग किसी मशीन के लिए एक लैंग्वेज बनाएं तो उसमें जो चीज़ हम लोग यूज़ करें उसको क्या कहते हैं? लेटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ करेक्टर यूज़ किए। करेक्टर क्या होती हैं? हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह आपको एग्जाम्पल में नज़र आ रहा होगा। अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ में क्या होती है? ए, बी, सी, डी, ये सारी, ए टू जी, ये सारी क्या चीज़ होती हैं? करेक्टर होते हैं सारे। सिंबल जो होते हैं, सिंबल या स्पेशल करेक्टर भी कहते हैं, ये हमारे पास सिंबल होता है। एट हो गया, एंड, परसेंटेज, ये हमारे पास क्या होते हैं? सिंबल। और उसके बाद जो इंटीजर्स वैल्यूज़ भी होती हैं। अब आप लोगों ने मोस्टली तो देखा होगा कि इंटीजर वैल्यूज़ और करेक्टर वैल्यूज़ तो यूज़ होती हैं, लेकिन आपके पास स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूँ, ये भी चीज़ यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना जीमेल अकाउंट जब लगाते हैं तो जीमेल अकाउंट में क्या होता है कि अगर आप ऐड नहीं डालेंगे तो वहाँ पर रेड कलर का एक ऑप्शन आ जाता है इनवैलिड का, कि ऐट द रेट भी लिखना ज़रूरी है। वो कैसे पता चलता है? वो ऑटोमेटिक जो है वो डिफाइन किया गया होता है, ये ऐड का ऐड जो होता है, ताकि ये लिख के तभी जाके आपका प्रोसेस वो आगे होगा। लेटर जो होता है वो क्या होते हैं? करेक्टर सिंबल हो सकते हैं, कुछ करेक्टर होंगे सिंबल्स होंगे, कुछ इंटीजर वैल्यूज होंगे। अब पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट जो होता है वो ए टू जी होता है, लेकिन ऑटोमेटा में अल्फ़ाबेट क्या होता है? अ सेट ऑफ लेटर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। इस सिंबल का नाम क्या है? सिग्मा। यानी कि अ सेट ऑफ लेटर, यानी कि लेटर का सेट होता है डिनोटेड बाय ग्रीक सिग्मा। यानी कि अब ए बी सी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लेटर है ना, ये भी हो सकते हैं, ए बी सी वगैरह ये भी हो सकते हैं, इंटीजर्स वैल्यू या स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं। ये जब सब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनता है? एक सेट बनता है। तो सेट को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट, जिस तरह आपको एग्जाम्पल में दिया गया। ये क्या हमारे पास है? सिग्मा। सिग्मा क्या है? एक डिनोटेड किया जाता है अल्फ़ाबेट को। ये हमारे पास क्या है? ये एक इन करेक्टर टाइप के अल्फ़ाबेट, ये इंटीजर टाइप के अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की समझ आ गई? अ सेट ऑफ लेटर, यानी के लेटर्स का मजमुआ, यानी के काफ़ी सारे लेटर्स जो है वो मिल के अल्फ़ाबेट बनाते हैं, जिससे ग्रीक लेटर जो है सिग्मा से डिनोट किया जाता है अल्फ़ाबेट। अब आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? हमने ऑलरेडी अपनी प्रोग्रामिंग में, जब मैंने आपको पढ़ाया था इंटीजर्स डेटा टाइप्स के अंदर, फ्लोट, इंटीजर, करेक्टर, तो करेक्टर क्या होते हैं? जो कुछ भी हम लोग साइंस यूज़ करते हैं, ए बी सी वगैरह हम लोग जो लिखते हैं, करेक्टरिटिक्स लिखते हैं। तो स्ट्रिंग भी जो है ऐसी ही होती है, सेम एज इट, जो अल्फाबेटिकली साइंस होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स को पढ़ते हैं। कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यानी कि अल्फ़ाबेट से जो लेटर होंगे उनको कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन से मुराद होता है साथ जोड़ना, साथ जोड़ना, कॉन्केटिनेशन। अब यह होता है कि अल्फ़ाबेट से जो लेटर साथ जुड़ते हैं, इससे जो लैंग्वेज बनेगी आगे, स्ट्रिंग बनेगी, इससे अल्फ़ाबेट से बनने वाले स्ट्रिंग जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रिंग होंगे। यानी कि ए और बी जो साथ बन जाएंगे, ये हमारे पास क्या है? ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है। अब ये तीन हमारे पास, आपको मैं बता दूं, ये तीन जो लिखे हैं, ये तीन स्ट्रिंग लिखे हुए हैं। ये लेंथ इसकी क्या है? तीन। तीन स्ट्रिंग ये लिखे हुए हैं। स्ट्रिंग क्या होती हैं? अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज होती हैं, जो कॉन्केटिनेशन होती हैं अल्फ़ाबेट से। यानी कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं, एक तो होते हैं ए बी सी, ए टू जी तक जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट बेसिकली कुछ भी हो सकते हैं सेट ऑफ लेटर में से। लेटर क्या हो सकते हैं? हमारे पास ए बी सी वगैरह भी हो सकती है, इंटीजर टाइप भी हो सकती है, स्पेशल करेक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये मशीन्स के लिए लैंग्वेज जब डिफाइन करते हैं तब इन सब चीज़ों को हम लोग जो है लिखते हैं। तो स्ट्रिंग की भी समझ आ गई क्या चीज़ है? कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर फ्रॉम अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यानी कि कॉन्केटिनेशन होती है, साथ साथ जो जुड़े होते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग निकालते हैं हम लोग इस अल्फ़ाबेट से, वो क्या होते हैं? हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं।
आगे आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, यानी कि स्ट्रिंग का सेट। अब लैंग्वेज है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, तो हम लोग ये कह सकते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग तो आ गया विद रूल्स। अब हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लोग ने जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब वगैरह कब लगानी है, एस ई एस कब लगाना है, ही शी इट कब लगाना है, वाज वर्ब कब लगाना है, इसके रूल्स है ना इंग्लिश लैंग्वेज के। इसी तरह से ऑटोमेटा के अंदर मशीन के लिए लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए भी लैंग्वेज के कुछ असूल होते हैं, जिस तरह अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, यानी कि एक स्ट्रिंग का मजमुआ होगा। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, जिस तरह ये स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है ए बी सी वगैरह, इससे पीछे चलते हैं। स्ट्रिंग ये कहाँ से आएंगे, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट कहाँ से आएंगे, लेटर से। लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट से कनेक्ट है, अल्फ़ाबेट जो है वो स्ट्रिंग से कनेक्ट है, स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज से कनेक्ट है। अब मजीद पढ़ते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्या होती है, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश के कुछ असूल्स होते हैं, इज एम आर वगैरह हेल्पिंग वर्ब वगैरह कब लगानी है, कब चीज़ें लगानी है, इज एम वाज वर्ब वगैरह, इसके क्या असूल होते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज जो होते हैं मशीन के लिए, जब हम लोग लैंग्वेज बनाते हैं, सेम एज इट यही चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मेक अ लैंग्वेज ऑफ फॉर, यहाँ पर फॉर आएगा सॉरी, मेक अ लैंग्वेज फॉर मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए फ्रॉम अल्फाबेट। ये अल्फाबेट दिया गया है, इसमें से हमने एक लैंग्वेज बनानी है एक मशीन के लिए, जिसके अंदर ए से लेटर स्टार्ट हो और ए पे ही एंड हो, सॉरी स्ट्रिंग ए से स्ट्रिंग स्टार्ट हो और ए से ही जो है बन खत्म हो। अब इससे बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग होंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो होते हैं लेंथ में, वो हमारे पास ये, इनमें से हमने कौन से चूज करने हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा अपनी लैंग्वेज के अंदर कि ए से स्टार्ट हो और हमारे पास जो है ए पे एंड हो, तो ये वाला पहला आ जाएगा हमारे पास और जो है ये लास्ट वाला, और बहुत सारे इन्फिनिटी बनते जाएंगे, हम लोग ये लिख देंगे बहुत सारे बनते जाएंगे। और मैं नेक्स्ट आने वाली आपको लेक्चर के अंदर ये बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं पॉसिबल स्ट्रिंग से वो किस तरह से निकालते हैं। अब के लिए जस्ट ये समझे कि लैंग्वेज वगैरह क्या होती हैं। लैंग्वेज की समझ आ गई, जो एक मशीन के लिए लैंग्वेज बनाते हैं उसका एक असूल होता है, जो कि इस एग्जाम्पल में मैंने बताया कि एक एक मशीन के लिए लैंग्वेज बनाएं जिसमें स्ट्रिंग स्टार्ट हो ए से और ए पे एंड हो, बीच में चाहे जो मर्जी है, जिस तरह हमारे पास ये बी ए ये बी आ गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें ये एक स्टेप एक्सेप्टेबल होगी एक मशीन के लिए। क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है ए पे एंड हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है ए पे एंड हो रही है, बीच में बी आए डी आए सी आए जो भी आए, इससे गर्ज नहीं है। बहरहाल डी सी वगैरह इसमें नहीं आएगा क्योंकि ए बी की लिमिट दे चुकी है, यही चीज़ें होनी चाहिए। तो अब हम लोग जो है इसमें से इसको चूज नहीं कर सकते ए बी को, क्योंकि ये ए से तो स्टार्ट हो रही है लेकिन ये एंड जो है वो बी पे हो रही है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। अब ये वर्ड्स जो होते हैं ये लैंग्वेज से जो है ताल्लुक रखते हैं, जो होते हैं ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग, जो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स, लेकिन जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो वर्ड्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अब वर्ड्स क्या होता है, हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, अब ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग में वर्ड्स में जो होती हैं वैलिड वर्ड भी होते हैं और इनवैलिड वर्ड भी होते हैं। अब इसमें अगर हम लोग ये जिस तरह अभी हमारे पास है, अभी हमारे पास ए है, ये एक वर्ड तो है, एक स्ट्रिंग है सॉरी, ये स्ट्रिंग तो है लेकिन एक वर्ड नहीं है, ए बी ए, ये क्या है, ये स्ट्रिंग तो है लेकिन वर्ड नहीं है। अब वर्ड क्या होगा, वर्ड जो हमारी डिक्शनरी के अंदर होगा, अगर इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, सबके सब जो हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ जाए लफ्ज़ जो है ए एन आ जाए, ए एन, एन तो हमारी डिक्शनरी में है जिसका मतलब होता है एक, एक एन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्ड, और ये स्ट्रिंग भी होगा। और इसी तरह इसको यूज़ करते हुए आर आ जाए, ए आर ई आर, ये भी क्या है वर्ड, हमारी डिक्शनरी में ये भी वर्ड है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्ड और ये स्ट्रिंग भी है।
इसी तरह से हमने अभी पढ़ा कि जितने भी वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होते हैं? अल्फाबेटिकली, जो अल्फाबेट से बिलोंगिंग करते हैं, कॉन्कैटिनेशन होती है। लेकिन जितने भी स्ट्रिंग होते हैं वो सब के सब वर्ड नहीं हो गए। जिस तरह अभी ये स्ट्रिंग तो है ए, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमारी डिक्शनरी में इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये वर्ड्स नहीं होगा। ए बी ए, इसका ये स्ट्रिंग तो है लेकिन हमारी डिक्शन में इसका मतलब नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वर्ड्स नहीं होगा, ये जस्ट स्ट्रिंग ही होगा। तो अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, पावर ऑफ अल्फाबेट, पावर ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा, जो हमारे पास था लेटर्स, वर्ड्स, अल्फाबेट, लैंग्वेज। तो अपना ख्याल रखिएगा, जो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।